नाजरीन, ड्रामा सीरियल डोर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुंह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ते
रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा
रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा
या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा
रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाज़रीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा
या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही असमा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि असमा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब असमा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद असमा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान असमा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे असमा
रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ते
रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है तो नाज़रीन क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है। मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा
रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये रिश्ता अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे आप देखेंगे रुमान अस्मा से जाकर मिलेगा और उससे कहेगा कि तुम जिस स्टेटस की वजह से मुझसे डर रही हो वो मेरा नहीं है, वो सब कुछ मेरे भाई और मेरी मामा का है, मैं उनका मुँह भोला बेटा हूँ, मैं उनका सका बेटा नहीं हूँ। जिस पर आप देखेंगे अस्मा रुमान के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाएगी, मगर ना तो इस बात का इल्म रुमान को होगा और ना ही अस्मा को कि उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट पर की जा रही है कि अस्मा अवान की केयर टेकर के तौर पर आएगी और उसकी खिदमत करेगी। तो आप देखेंगे जब अस्मा इस शादी पर रजामंद हो जाएगी तो रुमान अपनी माँ से जाकर मिलेगा और उसकी माँ रुमान से कहेगी, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हें पता है कि उन्होंने आकर क्या कहा कि इससे बेहतर था कि रुमान की बजाय तुम ये अवान के लिए ही ले लेते कि अगर उसने यहाँ रहकर उसकी खिदमत ही करनी है। तो नाजरीन, क्या रुमान शादी के बाद अस्मा को अपने साथ रख पाएगा या फिर अवान की खिदमत के लिए छोड़ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।